नमस्ते जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन का भाजा। उसके लिए हमने एक बड़े बैंगन लिए है, देखिए उसको हम लंबे लंबे स्टेप से काट लिए हैं। इसमें कुछ मसाले डालेंगे, ये देखिए हमने कुछ मसाले लिए हैं। एक बड़ा चम्मच नमक लिया है, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर लिया है, हाफ छोटा चम्मच जीरा पाउडर लिया है, हाफ छोटा चम्मच हल्दी लिया है, एक चुटकी लाल मिर्च पाउडर लिया है। अब इसको हम इसे मिला लेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए हमने मसाले को मिक्स कर लिया है। ये देखिए कढ़ाई में हमने तीन बड़े चम्मच तेल दिए हैं, हमने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप चाहे तो सरसों तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल हमारे गर्म हो चुके हैं, अब इसमें से हम जो मेरे बैंगन है हम इसको इस टाइप से करके डाल देंगे। ये देखिए ऐसे ऐसे करके सारे बैंगन डाल देंगे, एक एक करके हम डालेंगे। ये देखिए इस तरह से करके हम सारे बैंगन को फ्राई कर लेंगे। एक तरफ पकने के बाद हम इसे पलट लेंगे। ये देखिए हमारे बैंगन एक तरफ से पक गया है, अब इसको हम पलट लेंगे। ये देखिए इसको हम पलट लेंगे अच्छे से। इस टाइप से करके हम सारे बैंगन को पलट लेंगे। ये देखिए हमारे बैंगन एक तरफ से हो चुके हैं, इस तरह हम दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। इस तरह से आप बनाइएगा, विश्वास कीजिए बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही टेस्टी होती है। आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा इसको। इसे आप दाल चावल के साथ खा सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर होगा। तो आप चाहे तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन दाल चावल के साथ ये ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये देखिए हमारे बैंगन हो चुके हैं, अब इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए इस पे रखेंगे, इस तरह से हम सारे बैंगन निकाल लेंगे। ये देखिए ये कितनी अच्छी बनी है, ये बहुत ही टेस्टी होती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।